सुप्रभात बच्चों, आज आपका हिंदी साहित्य का पीरियड है। आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है नाम तिरंगा मेरा। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालिए, उस पे आज की तिथि डालेंगे और आज का सुविचार डालेंगे। आज की तिथि है 7/9/2020 और सुविचार है सदा सच बोलो। तो बच्चों, ये देखिए, ये कठिन शब्द हैं। कविता का शीर्षक है नाम तिरंगा मेरा। कठिन शब्द है श्वेत मतलब सफेद, केसरिया, केसरिया जिसे आप ऑरेंज कलर कह सकते हैं, सेफरॉन, ठीक है, केसर का रंग। चक्र, चक्र मतलब एक सर्कल। इतिहास, जो हमारे पुराना बीत चुका है, जो बीती हुई बात होती है वो हमारा इतिहास बन जाती है। त्याग, त्याग का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। मध्य, बीच में। शांति, शांति तो आप लोग जानते होंगे, पीस, शांति, बिना लड़ाई झगड़े की बात। अब हम कविता शुरू करते हैं। मैं हूँ झंडा भारत देश का, नाम तिरंगा मेरा, सबको मिलाऊं एक बनाऊं यही काम है मेरा। बच्चों, झंडा अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। झंडा कह रहा है मैं हूँ झंडा, किस देश का झंडा है, अपना भारत देश का, जिसका नाम क्या है, तिरंगा। क्यों तिरंगा है, क्योंकि वो तीन रंगों से मिलकर बना है। और जो झंडा है वो क्या दिखाता है, वो तीन रंग अलग अलग बातें बताते हैं जिससे हमारा देश मिल के चलता है। वो झंडा ये बताता है सबको मिलाऊं, हम सबको मिला के झंडा एक बनाता है, क्योंकि सबकी पहचान, हम सब भारतवासियों की पहचान एक है, एक झंडा सबकी पहचान कराता है। तो ये बता रहा है यही काम है मेरा। तीन रंग हैं मुझमें बच्चों, हरा श्वेत केसरिया, एक चक्र 24 तीली का है इतिहास का पहिया। बच्चों, अब झंडा क्या बता रहा है, झंडा कह रहा है तीन रंग है। आपने नाम तिरंगा बोला था उसने ना, तिरंगा का मतलब तीन रंग। अब देखिए वो बता रहा है कि वो तीन रंग कौन कौन से हैं। वो कह रहा है तीन रंग हैं मुझमें बच्चों, मेरे अंदर तीन रंग है। कौन कौन से तीन रंग है आपको पता होगा, सबसे ऊपर केसरिया, दूसरे नंबर पे श्वेत मतलब सफेद, और फिर कौन सा रंग आता है, हरा रंग। तो देखिए, तीन रंग हैं मुझमें बच्चों, हरा श्वेत केसरिया। केसरिया मतलब केसर, केसर होती है, केसर एक मसाले की तरह यूज की जाती है, बल्कि मसाले में भी नहीं, फ्लेवर के लिए होती है, ठीक है, स्वाद बढ़ाती है, खीर बनती है तो उसमें केसर डाली जाती है और वो थोड़ा पीला और ऑरेंज कलर मिक्स आता है उसका, ठीक है। एक चक्र 24 तीली का है इतिहास का पहिया, और ये जो चक्र आपको दिख रहा है इसके अंदर 24 तीलियां होती हैं, बीच में झंडे के बीच में चक्र बना रहता है इतिहास का पहिया। तो ये जो चक्र है ये आपको पता है कहाँ से लिया गया है, ये हमारा जो है वहां पर आपके भुवनेश्वर में सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल है, उड़ीसा में भुवनेश्वर एक जगह, वहां पे एक सन टेम्पल है कोणार्क का, वहां पे जो कोणार्क का रथ है उसमें से ये लिया गया है, सूर्य का एक रथ है उसमें से जो ये लिया गया है चक्र। तो ये एक इतिहास को बताता है। सबसे ऊपर केसरिया से, जो अब तीनों रंगों की बात की गई है कि किस रंग की क्या कहानी है, तो सबसे ऊपर केसरिया, जो केसरिया रंग है वो क्या बताता है, त्याग भाव में लाता, वो त्याग की भावना जगाता है। मध्य मेरे रहता श्वेत, और मध्य में मेरे श्वेत रंग है, सफेद रंग है, जो शांति का मार्ग दिखलाता है, जो क्या बताता है, शांति, कि हमें बिना लड़ाई झगड़े के रहना चाहिए। केसरिया रंग त्याग को बताता है, हमें सिर्फ अपने लिए हमें नहीं कुछ करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, हम दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा कर सकें, वो त्याग भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरा हरा रंग, और तीसरा हरा रंग चहु और हरा कर जाता, चक्र मध में लहर लहर इतिहास देश का गा। हरा रंग जो है वो बताता है चारों तरफ, मतलब देश में चारों तरफ हरियाली हो, हरियाली हो मतलब फसलें हरी भरी हो, और हरी भरी फसलों का मतलब होता है बेटा
कि हमारा घर धन्य धान से, हमारा घर ही नहीं हमारा देश धन्य धान से भरा पूरा रहे, है ना, उसमें हर जगह समृद्धि हो। बहुत भाई असली फसल अच्छी होगी तो किसान के पास पैसा आएगा, ठीक है, और अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। चक्र मध्य में लहर लहर इतिहास देश का गाता, और जो चक्र है बीच में वो इतिहास का वर्णन करता है। मन में देश का भाव जगाऊं, मन में देश का भाव जगाऊं यही काम है मेरा। वो कहते हैं कि जो कविता लिखी है जिन्होंने डॉक्टर राम गोपाल वर्मा, वो कहते हैं झंडे का काम ये है कि वो देश में देश प्रेम की भावना जगाए। मैं हूँ झंडा भारत देश का, नाम तिरंगा मेरा। वो कह रहा है मैं भारत देश का झंडा हूँ जिसका कि नाम तिरंगा है। तो बच्चों ये कविता आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, 8 लाइनें आप लोग लर्न कर लीजिए, ये शुरू की 8 लाइनें यही आपके कोर्स में आती हैं, ठीक है, पेपर में, अच्छे से इन्हें लर्न करिए। धन्यवाद।